प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम सिनोनिम सीखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए कारगर साबित होगा, स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एसएससी तथा डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। मैं मुन्ना सर छपरा से इस प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है लेवल की पूरा विश्वास है कि यह प्रैक्टिस सेशन आपके वोकैब स्कोर को बढ़ाने में मदद करेगा। तो आपके बीच का पहला शब्द आपके सामने बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब हमलावर होता है, हमला करने वाला, इसे आक्रामक भी बोला जाता है। चार विकल्प आपके बीच में है, इन चार विकल्पों में से कोई एक विकल्प हमारा बेलिजरेंट के लिए उपयुक्त है। पहला विकल्प वेरी हॉट। वेरी हॉट का मतलब बहुत गर्म। दूसरा है ब्रिलियंट, इसे अति चतुर कहते हैं, अति बुद्धिमान बोलते हैं। तीसरा शब्द है वेजिंग वार, युद्ध शुरू करना, युद्ध की शुरुआत करना। और चौथा शब्द है अग्रेसिव, जिसे हम हमलावर या आक्रामक बोलते हैं। तो इस तरह से आपके बीच बेलिजरेंट का तीन ऑप्शन, जिसे हम वेरी हॉट, ब्रिलियंट और वेजिंग कहते हैं, हमारे बेलिजरेंट के करीब नहीं है, क्योंकि बेलिजरेंट का मतलब हमलावर या आक्रामक है, इसे युद्धतर भी बोला जाता है। तो बेलिजरेंट का एग्जैक्ट सिनोनिम अग्रेसिव होगा, आक्रामक होगा। आपके बीच अगला शब्द है जुवेनाइल। जुवेनाइल को हिंदी में किशोर कहते हैं, अल्पायु, कम उम्र का, इसको अंडरेज बोला जाता है। चार विकल्पों में से पहला विकल्प है टीडियस। इस टीडियस का मतलब लंबा और उबायू, इसका सीधा संबंध समय से होता है, लंबे समय तक चलने वाला काम जिसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट हमारी कम हो जाती है, उसको टीडियस बोला जाता है। थका देने वाला, उबा देने वाला काम जो लंबे समय तक चलता है। दूसरा शब्द है ह्यूमरस, जिसे हास्यपूर्ण कहते हैं, जिसमें हंसी विनोद होती है, जिसमें मजाक भी शामिल होता है, तो ह्यूमरस। तीसरा शब्द है यंग। यंग का मतलब किशोर या अल्पायु, इसे जुआ भी बोल सकते हैं। और चौथा शब्द है हिडन, जिसका मतलब होता है छुपा हुआ। तो शब्द हमारे बीच जुबेनाइल है। जुबेनाइल का मतलब किशोर, किशोर मतलब अल्पायु, अंडरेज, और यंग का मतलब ही किशोर या अल्पायु होता है। तो इस तरह से जुबेनाइल का सिनोनिम हमारा यंग होगा। अगला शब्द बीरेट। बीरेट का मतलब डांट लगाना या गाली देना होता है, डपट कर बात करना होता है। चार विकल्प का पहला शब्द है स्कॉल्ड स्ट्रॉन्गली, इट मीन्स जोर से डांट लगाना या गाली देना। अगला शब्द है स्ट्रॉन्ग। स्कॉल्ड स्ट्रॉन्गली के बाद रेस्ट्रेन, किसी व्यक्ति तथा वस्तु को अपने बस में रखना। जब व्यक्ति और वस्तु को अपने बस में रखने की बात करते हैं तो उसको रेस्ट्रेन बोला जाता है। नेक्स्ट है कन्फर। कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना या देना। और लास्ट वर्ड है डिले, जिसे कहते हैं विलंब करना या देर करना। तो शब्द आपके बीच था बिरिट, गाली देना या गाली ग्लॉज करना या टपट के बात करना। तो चार ऑप्शन में हमारा रेस्ट्रेन, कन्फर और डिले का संबंध तो बिरिट से नहीं है, क्योंकि रेस्ट्रेन का मतलब होता है किसी व्यक्ति वस्तु को अपने बस में रखना, कन्फर का मतलब प्रदान करना या देना, डिले का मतलब विलंब करना या देर करना, और स्कॉल्ड स्ट्रॉन्गली का मतलब होता है जोर से डांटना या इसका संबंध गाली से होता है। तो इस तरह बीरेट का सिनोनिम हमारा स्कॉल्ड स्ट्रॉन्गली होगा। अगला शब्द आपके बीच में है इमेशिएटेड। इमेशिएटेड का सीधा संबंध
दुर्बल या निर्बल से होता है, दुर्बल निर्बल कमजोर या पतला। तो इमिसिटेट का पहला ऑप्शन है प्राइमल। प्राइमल का मतलब अति प्राचीन, अति प्राचीन यानी पुराने, हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, अति प्राचीन यानी प्राइमल। वीग्रस का मतलब होता है जोरदार या दमदार, जिसमें ताकत भरी होती है, शानदार, उसको विग्रस भी बोलते हैं। गैरुलस का मतलब होता है बातों नहीं, गपशप करने वाला, फेंकने वाला, अधिक बात करने वाला गैरुलस होता है। और थीन का मतलब होता है निर्बल या दुर्बल। तो इन चार विकल्पों में से प्राइमल, विग्रस और गैरुलस का संबंध हमारा इमेशिएटेड से नहीं है। इमेशिएटेड का मतलब है थीन, तो यहाँ इमेशिएटेड का सिनोनिम थीन होगा। अगला शब्द है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब जड़ से उखाड़ना या समूल नष्ट करना या हटा देना। इरेडिकेट का पहला विकल्प है एलिमिनेट। एमिलेट का एलिमिनेट का मतलब ये होता है उखाड़ना या हटा देना। मोडेस्ट का मतलब सरल या सामान्य होता है, कॉमन जिसको बोलते हैं। और इंडिकेट का मतलब संकेत करना या इशारा करना। और लास्ट वर्ड आपके बीच में है कॉम्प्लिकेट, यानी कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है जटिल। तो इरेडिकेट का संबंध हमारा मॉडेस्ट, इंडिकेट और कॉम्प्लिकेट से नहीं है। यहाँ इरेडिकेट का मतलब जड़ से उखाड़ना है, तो यहाँ जड़ से उखाड़ना या हटाने का सेंस में हमारा एलिमिनेट जाएगा। तो आंसर हमारा इरेडिकेट का एलिमिनेट होगा। अगला शब्द है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक या कमजोर, टूटने फूटने वाला, जो आसानी से टूट फूट जाए उसको फ्रेजाइल बोला जाता है। यहाँ पहला इसका विकल्प है अनफिट। अनफिट का मतलब होता है अयोग्य। फ्रैंक का मतलब स्पष्टवादी है, स्पष्ट बोलने वाला, खुलकर बोलने वाला, दिल में कुछ भी न रखने वाला, उसको फ्रैंक बोलते हैं। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक या कमजोर कहते हैं, आसानी से टूटने वाला। और आखिरी शब्द है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब दृढ़ होता है या बलवान होता है। तो यहाँ फ्रेजाइल कमजोर या क्षणभंग जिसे भंगुर बोलते हैं या जिसे आसानी से टूटने वाला बोलते हैं। तो अनफिट, फ्रैंक और स्ट्रॉन्ग से तो इसका कोई संबंध ही नहीं है। तो फ्रेजाइल का सिनोनिम हमारा डेलिकेट होगा। तो उम्मीद है यह प्रैक्टिस सेशन आपको पसंद आएगी। ऐसे ही सेट प्रैक्टिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।